हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेग ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज के क्लास में हम चैप्टर 9 मोमेंट किताब का कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जो कि ये कहानी बिल ब्राइसन के द्वारा लिखी गई है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो प्राय अपने यात्रा के दौरान किसी न किसी प्रकार की घटना से उसे गुजरना पड़ता है, ये उसकी एक तरह से आदत बन जाती है कि नहीं भी चाहते हुए उसे अनहोनी हो ही जाती है। They say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. आज कहा जाता है कि दुनिया सिमट करके एक मुट्ठी में आ गई है। कहने का मतलब है कि दुनिया में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज एक घंटे के अंदर एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। वी कैन हैव ब्रेकफास्ट इन वन कंट्री, लंच इन अनदर एंड सपर इन अनदर कंट्री, बट इट इज़ नॉट विद एवरीबडी। ऑल डू नॉट फाइंड इट ईजी टू ट्रैवल। हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रैवलर। बिल ब्राइसन ये अपने अनुभव को एक मनोरंजन के रूप में इस चैप्टर में लिख डालते हैं। वे भी एक तरह से यात्री हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस बात को वे बहुत ह्यूमरसली इस चैप्टर में डालते हैं। आइए देखते हैं उनके साथ कौन सी ऐसी घटना होती है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। इनका कहना है कि बहुत सारे कार्यक्रम दुनिया में होते रहते हैं, बहुत सारे अच्छे चीज होते रहते हैं, परंतु उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो उसे एक तरफ रखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रेटी सच बियॉन्ड मी। उनका कहने का मतलब है कि लोग इस दुनिया में मल्टीटास्किंग हो चुके हैं, एक साथ एक समय में अनेकों कार्य कर बैठते हैं जो कि इनसे नहीं हो सकता है। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the love tree in the cinema, for instance. एक अलग प्रकार की घटना है कि जितनी बार वो सिनेमा गए हैं या पब्लिक प्लेस में गए हैं उन्हें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर टॉयलेट है, और टॉयलेट बार बार जाते हैं और हमेशा भूल जाते हैं। And ended up standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. वो प्राय अपने आप को उस दरवाजा के सामने पाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, एक बार खुलता है और खुलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और वे अपने आप को उस बरामदे में फंसे हुए नजर आते हैं कि निकलना किधर से है, जाना किधर है। माय पार्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 टाइम्स अ डे एंड आस्किंग व्हाट माय रूम नंबर इज। ये तो बहुत अजीब की बात, ये कहते हैं कि एक दिन में प्राय 2 से 3 बार होटल रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर ये पूछते हैं कि मेरा होटल नंबर क्या है। अगर एक आदमी को एक कमरा बुक कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को उसका कमरा नंबर याद रहता है, परंतु बिल ब्राइसन को उनका अपना ही कमरा नंबर कभी याद नहीं रहता। आई एम इन शॉर्ट ईजिली कन्फ्यूज। अगर छोटा शब्द में कहा जाए तो ही इज़ अ वेरी वेरी कन्फ्यूज मैन। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। एक बार की घटना है जब वे अपने परिवार के साथ, जो एन फैमिली वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है यानी कि विथ ओन्स फैमिली, तो ये अपने परिवार के साथ एक लंबे ट्रिप पर कहीं जा रहे थे। इट वॉज एट ईस्टर, तो ये जो फैमिली ट्रिप था ईस्टर का समय था। यहाँ पर सबों को गुड फ्राइडे पता है, परंतु उसके फॉलोइंग संडे यानी कि सैटरडे एंड संडे इज कॉल्ड ईस्टर संडे एंड दैट इज द फीस्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। तो लंबे यात्रा पर ये निकल रहे थे अपने परिवार के साथ। वेन वी अराइव्ड एट लोगान एयरपोर्ट इन बॉस्टन एंड वी वर चेकिंग इन, तो ये लोगान एयरपोर्ट जो कि बॉस्टन में है वहाँ पर जस्ट एंट्री ही किए थे। आई सडनली रिमेम्बर्ड दैट आई हैड रिसेंटली जॉइंड ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम,
तो इन्होंने एक प्रकार के प्रोग्राम को ज्वाइनिंग कर ली थी। उस प्रोग्राम का नाम था ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जब व्यक्ति मैक्सिमम नंबर ट्रैवल करता है तो जितने बार वो ट्रैवल करेगा उसके कूपन में कुछ न कुछ पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट्स मिलता है। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक। तो वो ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो कार्ड था वे अपने कैरी बैग में डाल दिए थे जो कि उनके गले में लटका हुआ था। एंड हियर इज वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहाँ से ट्रबल शुरू हो जाता है। तो उसका ट्रबल क्या था? द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, जो ये जिप है बैग का वो जाम हो चुका था। सो आई पुल्ड ऑन एंड यांक्ड, और ये पूरी कोशिश करते हैं और उसको खींच करके खोलने की कोशिश करते हैं पूरी शक्ति के साथ, विथ ग्रंट एंड फ्रॉन एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, पूरी ताकत धीरे धीरे ताकत बढ़ाते गए। शुरू में हम लोग जिप खोलते हैं तो बहुत प्यार से खोलते हैं, परंतु जब वो नहीं खुलता है तो अपना ताकत हम लोग बढ़ा देते हैं। ये भी वैसे ही किए और ताकत बढ़ाते गए। आई केप दिस अप फॉर सम मिनट्स, तो काफ़ी देर हो गया था जिप को खोलने में परंतु वो जिप खुल नहीं रहा था। बट इट वुडन्ट बज, लेकिन वो जिप एक इंच भी वहाँ से मूव नहीं किया। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, आप समझ सकते हैं कि अगर उस जिप पर ज़्यादा ताकत लगाया जाए तो क्या हो सकता है। अब्रप्टली द जिप गेव वे, और इस तरह से जिप पूरी तरह से अचानक खुल गया। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, ऑफ 14 आउंस टिन ऑफ पाइप टबैको, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म वॉज एक्स्ट्रावेजेंटली इजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट। तो पूरी ताकत के साथ वो जब बैग का जिप खुला तो उसमें का जितना सामान था, उनके बैग में क्या क्या सामान था, न्यूज़पेपर का कटिंग्स थे, टोबैको का एक डिबिया था, मैगजीन था, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, कैमरा रोल्स, तो ये सब उसमें रखा हुआ था। और जैसे जिप खुला सब के सब बाइक के बाहर आकर के पूरे दूरी तक ये बिखर गया था। ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, इतनी दूर तक ये इनका सामान छिटाया था टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर, कुछ दूर तक इनका सामान बिखर गया था। आई वॉच डम स्ट्रक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रनिंग डाउन इन अ फ्लटरी कास्केट। ये कुछ नहीं कर सकते थे, बस डम स्ट्रक यानी स्टटल स्तब्ध होकर के बस अपने सामान को बिखरते हुए देख रहे थे। जैसे उनके बैग से न्यूज़पेपर का डॉक्यूमेंट था पूरा फड़फड़ा करके उस एयरपोर्ट पर बिखर गया। कॉइन्स बाउंस्ड टू अ वैरायटी ऑफ नॉइसी ओब्लिवियंस, और जो उसमें से जो सिक्के निकले उससे अनेक प्रकार के आवाज निकलने शुरू हो गए। एंड द नाउ आइडलेस टिन ऑफ टोबैको रोल्ड क्रेजली अक्रॉस द कॉन्कोर्स डिस्गॉर्जिंग इट्स कंटेंट एज इट वेंट, और जो टोबैको का जो डिब्बा था वो भी उसका ढक्कन खुल गया और खुल करके उस एयरपोर्ट के चारों तरफ बिखर चुका था और डिब्बा खाली हो चुका था। My tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England. Now that another budget had come and gone and then changed to cry of my finger. Bill Bryson को इस बात को बहुत चिंता हो जाती है कि जो खैनी था उनके पास वो पूरा एयरपोर्ट पर बिखर चुका था, और इस तरह से उन्हें टेंशन हो जाता है कि अब उन्हें इंग्लैंड में फिर से खरीदना पड़ेगा और जिसके चलते उनका बजट बढ़ सकता है। तभी उनका ध्यान गया दूसरी तरफ उनकी उंगली पर, my finger, as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. उन्होंने जब अपनी उंगली को देखा तो जिप को खोलने के दौरान क्या हो जाता है, उनकी उंगली कट जाती है और उससे कुछ तेजी के साथ इन अ लार्ज क्वांटिटी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट वेन इट्स माई ओन, वेल आई थिंक हिस्टोरिक्स आर फुली जस्टिफाइड। मुझे खून बहाना कतई भी पसंद नहीं है, परंतु अगर वोकैबुलरी में हिस्ट
ट्रिक वर्ड नाम का कुछ शब्द है तो आज ये साबित हो गया, क्योंकि जैसे मैंने अपने कटी हुई उंगली को देखा मैं तो पागल के समान हो गया। कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माय हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। मैं इतना कंफ्यूज हो गया ताकि मैं अपने आप को मदद नहीं कर पाया और मेरे बाल के तो सब रोंगटे खड़े हो चुके थे। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। इस वक्त मेरी पत्नी मुझे घूर करके देखना शुरू कर दी, नॉट एंगर और एग्जास्परेशन, ना ही वो गुस्से में थी और ना ही वो इरिटेटेड, बट जस्ट सिंपल वंडर एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए आप ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हैं, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो। लेकिन हाँ, ये हुआ। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफीज व्हेन आई ट्रैवल। ये मेरे साथ होता है, हमेशा होता है। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड फॉरवर्ड टू टाई अ सूलेस, जस्ट एट दैट मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल रिक्लाइन। एक बार क्या हुआ कि मैं जब प्लेन में बैठ करके अपने जूते के फीते को बांध रहा था तो जाहिर सी बात है मैं आगे की तरफ झुक गया था। इसी दौरान मेरे सामने वाला जो सीट पर बैठा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मेरे सामने वाला जो सीट पर बैठा था वो अपना सीट को पूरी तरह से पीछे की तरफ ढकेल दिया। उस वक्त मेरा सर नीचे था और उसका सीट मेरे माथे पर आ गया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिंड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन, और इनका जो सिर का बाल था उनके सीट में फंस चुका था। It was only by clawing the leg of a man sitting next to me that I managed to get myself freed. मैं अपने से नहीं निकल पाया तो मेरे बगल में जो बैठा था उसके पैर को थोड़ा सा घसका करके और तब मैं अपने सर को उनके साइड से लेकर के निकाल पाया था। इस तरह से मैं फ्री हो पाया। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. एक दूसरी घटना इसमें जॉइंट करते हैं कि एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, उस वक्त एयर होस्टेस आई और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दी पीने के लिए, और हुआ क्या, उस लेने के क्रम में मेरा ग्लास उसके पैर पर गिर गया। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप, एयर होस्टेस आती है और उसके पैरों को साफ कर देती है। एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मेरा जो गिर गया था उसके बदले एक ग्लास और लेकर आई। And instantly, I knocked it on the woman again. Dusra glass bhi phir usi par gir gaya. To this day, I don't know how I did it. Aaj tak mujhe pata nahi ye sab kaise hua tha. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie with the name like the undead limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. उसके तुरंत बाद फिर क्या हुआ कि जैसे एयर होस्टेस फिर से ड्रिंक लेकर आती है, नहीं मालूम कैसे क्या हुआ, इसका हाथ अचानक एक प्रॉप के समान, प्रॉप का मतलब होता है जो वस्तु किसी फिल्म में प्रयोग किया जाता है, कोई भी वस्तु जो हम प्रयोग करते हैं स्टेज पर उसे प्रॉप कहा जाता है, तो इनका हाथ एक प्रॉप के समान काम करना शुरू किया, जैसे कि 1950 में हॉरर मूवी बनाया जाता था, अचानक हाथ सीन पर आ जाता था। आज ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे वो लेने के लिए आगे बढ़े कि इनके हाथ से उस ट्रे में लग गया जिस पर ग्लास रखा हुआ था और वो फिर ट्रे उस पर गिर जाता है, उस लेडी पर। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टुपिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन हुम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड। उस वक्त जिस तरह से उस लेडी ने मेरे तरफ लुक दिया, जो एक्सप्रेशन दी, आप उम्मीद कर सकते हो जिस लेडी को आप बार बार भिंगाओगे वो कैसे आपको देखेगी। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड विथ ओह, फिनिश्ड विथ सेक, एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टनली नॉट बाई अन्ना। और जिस तरह से वो कुछ शब्द बोली जिसकी शुरुआती ओह से हुआ और समाप्ति सेक से होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं ओह फॉर गॉड सेक,
हम तो बोल सकते हैं क्योंकि इट कैन बी यूज्ड इन पब्लिक, बट ये कहते हैं कि जिस तरह से उसने इस वर्ड का प्रयोग किया और उसके बीच में कुछ वर्ड थे जिसे हम पब्लिकली अटर नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक नन के द्वारा। नन कौन होती है? एक क्रिश्चियन लेडी जो अपने जीवन को सदा के लिए ईश्वर की काम के लिए न्योछावर कर देती है, दे आर कॉल्ड नन्स। उसके मुंह से ऐसा शब्द निकला, दिस हाउ एवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ प्लेन फ्लाइट। अभी तक जितनी घटना घटी वो हम थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, लेकिन अब जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये तो मेरे जीवन का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। When I was writing important thoughts in a notebook, एक बार ऐसे ही यात्रा कर रहे थे और अपने सीट पर बैठे बैठे कुछ कुछ चीज़ों को अपने पेपर पर पेन डाउन कर रहे थे, जैसे buy socks, clutch drink carefully, जो इनके साथ हुई थी। जैसे पिछले बार में क्या हुआ था, जूता बांधने में हुआ था, फिर ड्रिंक लेने के दौरान हुआ था, ये सब को अपने ध्यान में रख करके लिख रहे थे। एंड इन हिज एब्सेंट माइंडेड ही वॉज सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू एंड फेल इन टू कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। इन सभी पॉइंट्स को जब वे अपने कॉपी में पेन डाउन कर रहे थे और उस पेन से मुंह में खेल रहे थे, और तभी उनके बगल में एक अट्रैक्टिव यंग गर्ल बैठी थी उससे लगे बात करने के लिए। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bon mots. करीबन 20 मिनट तक उस लेडी के साथ वो बात करते रहे और बीच बीच में जो स्टाइलिश भाषा था और विटी रिमार्क्स वो अपना देते गए। Then retired to the lavatory where I discovered that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub resistant navy blue. And would remain for several days. जब वे लैबोरेटरी में अपने चेहरे को देखा तो उन्हें दिखाई देता है क्या कि उनका पूरा मुंह इंक से ब्लू हो चुका था, उनके दांत, उनका चिप, उनका गम, और उसे छोड़ा पाना तो अब कुछ दिनों के लिए मुश्किल हो चुका था। So you will understand, I trust, when I tell you how much I ache to be served. तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किसी के साथ पोलाइट रहने में मुझको कितनी कठिनाई महसूस होती है। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली लोकलाइज सिस्मिक इवेंट। इनके जीवन का सबसे बड़ा ये इच्छा रह चुकी है कि काश अपने जीवन काल में कभी भी एक बार अपने डाइनिंग टेबल से उठे तो किसी भी तरह का अर्थक्वेक महसूस ना हो। सेस्मिक मतलब अर्थक्वेक। कारण क्या था? वे जब अपने टेबल से भी उठते थे तो पूरे टेबल को हिला देते थे। गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड। या ये कभी कार में बैठे तो उनका कोट कार से बाहर न दबे। वियर लाइट कलर ट्राउजर without discovering at the end of the day that at various times sat on chewing gum. और इनकी ये भी इच्छा रही है कि कभी भी पिंक कलर या लाइट कलर का कपड़ा पहन करके जाए और उसमें किसी तरह का chewing gum ना लगा हो, आइसक्रीम ना लगा हो, कफ सिरप ना हो या मोटर ऑयल ना लगा हो। But it is not to be. परंतु ये उनके साथ कभी नहीं हो सकता। वे जब कभी भी लाइट कलर कपड़ा पहन कर आए हैं तो किसी न किसी प्रकार का उसमें दाग लगा रहता था। Now on planes when the food is delivered, my wife says, और जब कभी भी अपने परिवार के साथ ट्रैवल करता हूँ और खाना जब आता है खाने के लिए तो मेरी पत्नी हमेशा बच्चों को समझा देती है, टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैड और पुट योर हुड्स ऑफ चिल्ड्रन, डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट। इन बच्चों की माँ पहले ही बता देती है, अपने पिताजी के लिए ढक्कन को उठा दो या खुद अपने ऊपर कैप डालो, हुड्स मतलब कैप डालो, क्योंकि अब जो पिताजी करने वाले हैं वो मीट कटिंग, तो कहीं ऐसा ना हो कि काटने के दौरान में कुछ छींटे उन लोगों पर पड़ जाए। ऑफकोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली, ये सिर्फ परिवार के साथ होता था। When I am on, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelace and never put a pen anywhere near my mouth.
इनके साथ जितनी भी घटना घटी है वे जब भी अकेले जाते हैं तो उसमें से कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे जिससे इन्हें शर्म महसूस हो। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ। और फिर कभी जाते हैं तो वे अपने आप को सीधा बैठा लेते हैं और अपने हाथ को तो चेयर से पकड़ कर कर आते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इनका हाथ फिर किसी के चेहरे पर चला जाए या किसी का सॉफ्ट ड्रिंक को गिरा दे। इसलिए वे अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। इट इज़ नॉट मच फन बट इट डस एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स। ये कोई मजाक नहीं है, परंतु इनके कपड़े गंदे होने से बच जाएंगे और इस तरह से धोबी का बिल तो बच सकता है। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स बाय द वे। अब इन्हें इस बात की चिंता रहती है, हालांकि इन्होंने तो प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था, परंतु जब कभी भी यात्रा करते थे तो वे पॉइंट जमा नहीं कर पाते थे। आई नेवर डू दैट। आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम्स। कारण बहुत सारा हो सकता था। जब कभी ये ट्रैवल करते थे तो उन्हें कार्ड नहीं मिलता था। दिस हैज बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। इनके लिए तो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। एवरीवन आई नो एवरीवन इज फॉरएवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विथ देयर एयर माइल्स। ये हमारे लेखक प्राय बाली ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन इनको कभी भी वो कार्ड नहीं मिलता था। लेकिन इनके साथ जो ट्रैवल करते थे, जिन्हें ये जानते थे, उन लोगों को हमेशा फर्स्ट क्लास में जाने की सुविधा मिल जाती थी। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग। और ये कभी भी पॉइंट्स जमा नहीं कर पा रहे थे। आई मस्ट फ्लाई 100,000 माइल्स अ ईयर, येट आई हैव अक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। साल भर में कम से कम मैं 100,000 माइल्स यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 212 एयर माइल्स ही अक्यूमुलेट कर पाया है, यानी कि इस पॉइंट को मैं जमा कर पाया। और वो भी कैसे, अलग अलग एयरलाइंस है, अराउंड 23 एयरलाइंस, एक से नहीं, अलग अलग से। दिस इज बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स When I checking, तो नहीं जमा करने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? पहला, I forget to ask for the air miles when I checking, मैं खुद air miles मांगना या दर्ज कराना भूल जाता हूँ। और I remember to ask for them, but the airline then manages not to record them। दूसरा कारण क्या हो जाता था, जब इन्हें याद भी रहता था तो सामने वाला जो एंट्री करने वाला वो एंट्री करने में भूल जाता था। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम। या तीसरा कारण ये भी हो सकता था कि जब मैं उसको एंट्री करवाना चाहता था तो बोलता था यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द एयर माइल्स। कई कारणों से मैं एयर माइल्स जमा नहीं कर पा रहा था। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, a flight for which I was going to get about zillion air miles। एक बार की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने वाला था, वहां से जो मुझे मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन एयर माइल्स मिलने वाले थे। द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माय कार्ड एंड टोल्ड मी आई वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी। तो जो क्लर्क थी, उसको मैंने जब कार्ड दिया कि मेरी एंट्री कर दो, तो उसने बोला नो सर यू आर नॉट एंटाइटल। कारण क्या था, वाई द टिकट इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। अब ये बहुत बड़ी दुविधा हो गई। जो टिकट था उस पर नाम लिखा हुआ था बिल ब्राइसन, और जो कार्ड था उस पर लिखा हुआ था डब्ल्यू ब्राइसन। तो ये ऑथर इस बात को समझाने की कोशिश करता है, आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट। ये कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि बिल और विलियम मैं सेम पर्सन हूं, परंतु जो क्लर्क थी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। क्लर्क के अनुसार हो सकता है ये दो व्यक्ति है, इसलिए इसके डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स। इस तरह से इस बार भी इन्हें एयर माइल्स नहीं मिला। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट। और अभी भी इन्हें बाली इकोनॉमिक क्लास में ही ट्रैवल करना पड़ेगा।
perhaps just as well really. I could never go that long without eating. अंत में ये कहते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे बाली ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. कारण क्या था कि अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो मुझे रास्ते भर खाने नहीं पड़ेंगे, मुझे पीना नहीं पड़ेगा, मुझे एकदम स्ट्रिक्ट में बैठना पड़ेगा. तो इन कारणों से उन्हें जाना भी बहुत परेशानियों से भरा होता. चलो अच्छा है, सारे बिल्स कैंसिल हो चुके हैं और उन्हें अब बाली जाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बिल ब्राइसन अपने यात्रा के दौरान अनेकों प्रकार का कष्ट को सामना करना पड़ता है. ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें यात्रा करना ना पड़े. उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे ऑल्सो हैव द चांस टू एन्जॉय दिस चैप्टर.